नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए एक गर्मी की स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ, जो है लस्सी की रेसिपी, माखन या लस्सी जिससे बोलते हैं, यानी मक्खन वाली लस्सी। और उसके लिए जो हमें सामग्री चाहिए वो इस प्रकार से है। दही है, घर में जमाया हुआ दही है, ताज़ा दही है, देखिए। और ज़्यादा खट्टा नहीं लेना है हमें, तो ये दही है, एक कटोरी से थोड़ा सा कम लिया है, बड़ी कटोरी से। और ये दूध और मलाई दोनों मिक्स है, मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए, ताज़ी जो मलाई होती है हमारे घर में दूध पे आती है, वो मलाई है, और बाकी हिस्सा दूध का है। एक कटोरी भर के मैंने वो ले लिया है। साथ ही मैं 2 बड़े चम्मच चीनी है। अगर आपको चीनी पसंद नहीं है तो आप थोड़ा शहद मिला के बना सकते हैं, या चीनी कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा इलायची का पाउडर है, 4-5 इलायची को मैंने कूट लिया है दरदरी। यहाँ देखिए, दूध में थोड़ा सा केसर भिगो दिया है। अगर आपके पास केसर नहीं है या आप नहीं डालना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे ही बनाएं। और थोड़े ड्राई फ्रूट्स हैं, ये काजू, बादाम और पिस्ता है, तो थोड़े से ये लिए हैं। ये भी ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं डालना तो भी चलेगा। और कुछ टुकड़े बर्फ के हैं, ये ठंडा करने के लिए हम लेंगे। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। मिक्सी का जार मैंने ले लिया है, उसके अंदर मैं ये दही मिला लूँगी, पूरा सारा दही डाल लेते हैं। केसर वाला दूध मिला लेते हैं, इलायची पाउडर है ये भी मिला लेते हैं अंदर, चीनी डाल लेते हैं, बर्फ के थोड़े टुकड़े डाल लूंगी। हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि इसके अंदर हमें पानी नहीं मिलाना है बिल्कुल भी। हमें अगर पानी की जरूरत हो तो दूध ही मिलाना है पतला करने के लिए। और ये मलाई और दूध है, ये भी मैं इसी के अंदर मिला लेती हूँ। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल लूंगी, थोड़े से, और बाकी गार्निशिंग के लिए रखें। तो इसे मैं अब चला लेती हूँ। स्टार्ट करते हैं, मिक्सी में लगा लिया है मैंने जार। हमें इसे रुक रुक के बनाना है, लगातार नहीं बनाना है, नहीं तो मलाई जो है उससे मक्खन निकल आएगा। मिक्सी में हमने चला लिया है सारे आइटम्स को अंदर, देखिए, और बहुत ही अच्छे से ये बन गई है। तो हम इसे ग्लास में डाल लेते हैं। देखिए कितनी अच्छी गाढ़ी सी बनी है हमारी लस्सी, कलर भी बहुत अच्छा आया केसर का। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डाल के गार्निशिंग करेंगे और ये हमारी लस्सी बनके बिल्कुल तैयार है। तो बहुत आसान रेसिपी है दोस्तों, आप भी ज़रूर घर पे ट्राई करें, बहुत ही स्वादिष्ट होती है और गर्मियों के लिए बहुत अच्छी है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।